तरह के पैनिक अटैक एक्चुअली में होता गया है। तो रेलवे स्टेशन पहुंच गए हम लोग भोपाल के, और अचानक से मूड बना लिया कि चलो मुंबई चलते हैं। विक्की तो आ ही रहा था, बट उसके साथ साथ मैं भी आ गई और पहुंच गए बस हम लोग मुंबई हुई झटपट। और जैसे ही घर पहुंचे, बहुत अच्छा सत्यनारायण भगवान के दर्शन हो गए क्योंकि मेरी बिल्डिंग में पूजा थी। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आपने देख लिया वीडियो के स्टार्टिंग में दैट ऑब्वियसली आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं आ गई हूँ मुंबई। बहुत सडन, मतलब इतना इम्पल्सिव डिसीजन था मुंबई आने का मेरा। इस बार फरवरी में यहाँ आने का नहीं था प्लान, मैं सोचा था मार्च में आऊँगी डायरेक्टली, बट विक्की आ रहा था, विक्की ने मुझसे पूछा चल रही हो, तो मैंने बोला चलो चलते हैं, तो मैं भी आ गई फिर विक्की के साथ। सो जस्ट हम लोग कल आए हैं, और कल हमारी सोसाइटी में, मतलब नॉट सोसाइटी एग्जैक्टली, हमारी बिल्डिंग का, सिर्फ स्पेसिफिकली हमारी जो बिल्डिंग है उसका एनुअल डे था। तो मैं ग्रुप में सारी, एक्चुअली पहले से मेरा डिसाइडेड नहीं था यहाँ आने का, अदरवाइज फिर हम लोग कल की जगह परसों आते। तो हम यहाँ पे हल्दी कुमकुम, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, फिर सबके डांस परफॉर्मेंस थे, लेडीज़ों के वो था, रैंप वॉक था, परफॉर्मेंस थे बच्चों के बहुत सारे, और ऐसे डिनर था, तो वो था, तो उसके लिए ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है ना। तो हम जब आए तो हमारे नेबर्स मिल गए थे हम लोगों को, उन्होंने बोला जाओ चले जाओ मिल लो सबसे, तो मैंने बोला वैसे अच्छा नहीं लगता यार भी कंट्रीब्यूशन दे दिया और ऐसे ही मुंह उठा के चले गए। तो फिर हम नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैं वही सब ग्रुप में, हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं अपडेट्स देख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था देख करके। सो अच्छी चीज़ है, ऐसे सोसाइटीज़ में होते रहना चाहिए, है ना। तो वो एनुअल डे था कल हमारी बिल्डिंग का, नॉट सोसाइटी का, वो था। और आज अभी जब मैंने अपनी हाउस हेल्प को कॉल किया तो शी इज़ नॉट हेयर, मतलब वो बहुत स्वीट है मेरी हाउस हेल्प, मैंने पहले ही बताया है। तो अभी ना उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वो उसको बहुत ज़्यादा निमोनिया वगैरह हो गया है, तो वो गई हुई है आउट ऑफ टाउन, मतलब अपने गांव गई हुई है। यहाँ पर तो यार बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है ना उन लोगों को भी सब कुछ, तो वो अपने गांव गई है, वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है एक महीने से, शी इज़ नॉट हेयर। तो अब पंगा ये है कि झाड़ू पोछा तो चलो ठीक है, झाड़ू तो मैं कर दूंगी, बट डेली अभी मैं यहाँ पर हूँ 7 डेज के लिए, बट डेली झाड़ू पोछा मुश्किल हो जाएगा करना। तो मैं क्या करने वाली हूँ, एक हमने नीचे बोल के रखा हुआ है, तो होपफुली देखते हैं कोई आ जाए टेम्प्रेरी बेसिस पे, वैसे काम करते नहीं हैं ये लोग, इन लोगों को नुकसान होता है, बट आई होप कि कोई आ जाए। तो जब आ जाएगा तब का तब देखेंगे, बट अभी क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, पूरा मेस्ड अप हो रहा है, तो अभी के लिए क्लीनिंग वगैरह मैं करती हूँ, करना स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह ही जस्ट उठी हूँ मैं अभी, हम काफ़ी लेट आए थे, 10:15 बजे तो घर पहुंचे ही थे, और बस आज सुबह विक्की को स्कूल बोल रही हूँ, विक्की को ऑफिस निकलना है। और मैंने अभी अपने फ्रेंड को भी नहीं बताया है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, एक्चुअली उसका बर्थडे था 2-3 दिन पहले, सरप्राइज देने के लिए घर पे जाऊँगी उनके, ऐसे करने वाली हूँ। और यस, अभी मैंने फटाफट से फ्रूट्स खा लिए हैं, पोहे बन गए हैं, आज तो खाना बाहर से मंगवाएंगे, कल से फिर खाना घर पर बनाना स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज क्लीनिंग करने में पूरा दिन निकल जाएगा मेरा। तो सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए इस लेवल की डस्ट हो जाती है, मतलब जम जाती है डस्ट पूरी। ओके गाइस, सो बैल्कनी क्लीन कर दिया है पूरी, सब पौधों को पानी वानी डाल के अच्छे से वॉश सब कर दिया है, सो बैल्कनी क्लीन है। घर का भी ये हाल है, सब इधर तिधर बितर है। प्रोज ऑफ हैविंग अ लाइटवेट फर्नीचर, आप कभी भी कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो आराम से। तो अभी डस्टिंग एंड झाड़ू हुई है सिर्फ, तो मैं अभी मॉपिंग वगैरह भी करूंगी, बट अभी भूख लगने लगी मुझे बहुत तेजी से, तो मैं पोहे खा रही हूँ, मैं ये खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। समवन इन माई लास्ट वीडियो आस्क्ड मी कि आप अपने व्हाइट फर्नीचर को कैसे क्लीन करते हो, जब मैंने लास्ट अपना क्लीनिंग वीडियो डाला था। मैं सिर्फ एक ये माइक्रोफाइबर क्लोथ ले लेती हूँ जो कि काफी गंदा हो चुका है बिकॉज मैं डस्टिंग कर रही हूँ, एंड नॉर्मल वाटर लेती हूँ एक मग में, और उसी से मैं पूरा जो क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ, एंड एकदम क्लीन हो जाता है। सो इट्स दैट इजी, कोई केमिकल्स, कोई सॉल्यूशंस कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक शावर एंड अब मैं अपना स्किन केयर करूंगी बिकॉज विंटर है, तो यूजुअली आप लोग, आई एम श्योर बहुत सारे लोग फेस वॉश यूज करना अवॉइड करते होंगे बिकॉज ऑफ जो एक गंदे लेवल का ड्राइनेस देता है फेस वॉश, तो ड्राइनेस हो रखी है, पूरी फट रही है इधर से या इधर से, इसलिए विंटर्स में फेस वॉश चूज करना इज ऑलवेज ट्रिकी। सो यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ मामा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश,
ये आपके फेस को क्लेंस तो करता ही है जेंटली, बट साथ ही साथ आपके फेस को एक अच्छा नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर गुडनेस ऑफ हनी एंड मलाई है जो कि मेरी स्किन को काफी ज्यादा स्मूथ, लाइट एंड ग्लोइंग करता है। इसका जो क्रीमी टेक्सचर है डेवलप्स इनटू लाइट फॉर्म दैट जेंटली क्लेंजेस द स्किन। साथ ही साथ गुडनेस ऑफ हनी हेल्प्स प्योरिफाई द स्किन एंड मलाई हेल्प्स टू सूदन इट आउट। फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर मैं यूज करनी हूँ ऑल द नेचुरल गुडनेस ऑफ हनी एंड मलाई इन एन ऑयल फ्री फॉर्मुला विद न्यूली लॉन्च मामाअर्थ हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। नाउ दैट्स अ न्यू वन इजंट इट। ना काफी सारे लोग सोचते हैं हनी मलाई मतलब यूजुअली चिपचिपी होता है, बट नॉट विद दिस फॉर्मुलेशन। दिस इज सो मॉइस्चराइजिंग एट द सेम टाइम कीप्स ऑयलीनेस एट बे एंड इम्पार्ट्स ऑल द गुडनेस ऑफ द मोस्ट लव्ड किचन इंग्रेडिएंट्स। ये एक नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजर है फॉर डेली नरिशमेंट दैट गिव्स माई स्किन अ हेल्दी ग्लो विदाउट एनी चिपचिप। विद बोथ दीज प्रोडक्ट्स आई अश्योर दैट दिस विंटर आई ग्लो नेचुरली। सो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा प्रोडक्ट्स का, स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट मामाअर्थ की वेबसाइट एंड साथ ही साथ ऐप पर 20% डिस्काउंट। आप जब भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करते हैं मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये कि आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यू ऑल नो दैट मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल है अमेज़न, नायका, फ्लिपकार्ट एंड साथ ही साथ मामाअर्थ की वेबसाइट एंड ऐप पर, बट नाउ दे आर ऑल्सो अवेलेबल एट योर नियर बाय स्टोर्स एज वेल। मैसेज मी और कमेंट डाउन बिलो आप जब भी नेक्स्ट टाइम मामाअर्थ का कोई भी स्टोर जो है वो स्पॉट करते हैं। तो ओके गाइस, सो अभी कपड़े डाल दिए मैंने सब धोने के लिए, तो अभी क्या है कपड़े डाल दिए धोने के लिए और मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, तो मैं खाना वगैरह खाती हूँ और तब तक मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, चिल मारूंगी। खटर पटर की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो विंडो भी आधी बंद कर देते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली शाम को। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम हो चुकी है और मैं जस्ट ऐसे ही अपना काम कर रही थी, काफ़ी देर की मैं उठ तो गई थी और आज मैं जाऊंगी निशा के घर पे, केक मंगवा लिया है मैंने, एनिवर्सरी है उनकी कल, तो सरप्राइज देने। अभी तक उनको ये पता ही नहीं है, अभी दो दिन हो गए कि मैं मुंबई में हूँ और मैंने जानबूझ के बताया भी नहीं है। सो मैं एकदम से ऐसा इंस्टेंट रिएक्शन देखना चाहती हूँ। तो दिस टाइम व्हाट आई डिड इज़ मैंने पूरा बेडशीट वगैरह सब इस पे से हटा दिया है, इनफैक्ट उस पे से भी हटा दिया और वही जो थोड़े एक दो मेरे प्लांट्स हैं उनको मैंने अंदर भी रख दिया है लाइक दिस और ये सेंटर में रख दिया है, क्योंकि अभी क्या है मैं यहाँ पर हफ्ता भर हूँ तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी थोड़ा ऐसे रहने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू वो फिर बेडशीट्स वगैरह रहती है ना, तो वो फील नहीं आता है। तो शाम हो गई है, अब थोड़ा पूजा वूजा और क्लेंजिंग वेंजिंग का टाइम है बिकॉज घर मैंने बताया ना मैं जब भी आती हूँ तो मैं करती ही करती हूँ क्लेंजिंग। ओके गाइस, तो इस बार ना मैं बैग में अपने लिए ये लेकर के आई थी, आई गॉट दिस फ्रॉम अमेज़न, दिस इज कॉल्ड एज पी बडी। आई थिंक इसके बारे में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शार्क टैंक में या कहीं पे कोई आया था फर्स्ट सीजन में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मुझे श्योर नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है वहीं से आई थिंक ये फेमस हुआ था। अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया बिकॉज मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रही हूँ, जैसे लास्ट मंथ भी मैं मुंबई आई थी तो ट्रेन में ही आ रहे हैं हम लोग, ट्रेन के टॉयलेट्स इतने ज़्यादा अच्छे होते नहीं हैं, इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है समटाइम्स, ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जो कि मेरे को हो चुका है, 3 months तक मुझे पता भी नहीं चला था दैट आई हैड यूरिन इन्फेक्शन बट कोई सिम्टम्स नहीं थे, नॉर्मल टेस्ट कराया था मुझे पता चला दैट आई हैड इन्फेक्शन, सो दैट्स वाई आई गॉट दिस वन। तो ये है मेरे पास, मैं अपने बैग में ही इसको रख रही हूँ, इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज इट, एन अमेजिंग प्रोडक्ट है, मस्ट ट्राई। अमेजन से ही मंगवाया मैंने, मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको। एंड अभी जस्ट आई एम गेटिंग रेडी निशा के घर जाने के लिए, उनकी क्या क्लासेस होती है बच्चों की तो एग्जाम वगैरह, तो उन्होंने मुझे बोला है लेट तक छोड़ेंगी तो मैं उसी हिसाब से जाऊंगी ताकि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ निशा के घर से, तो एक्चुअली वो बिल्कुल शॉक में चली गई थी, मैंने उस टाइम कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। विक्की भी आ गया है, मैं भी आ गया, आज विक्की थोड़ा जल्दी आ गया है तो उसके साथ आ गई, अदरवाइज मैं निशा के बैठती हूँ 2-3 घंटे,
बट फिर वो आ रहा था, फिर मुझे वापस लेने आता, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ। तो अभी ना मैंने, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो माइक्रोवेव है इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है ये हमको भी नहीं पता। इसके टच पैनल में ये, एक सेकेंड, ये जो दिखा रही हूँ ये जो बटन है ना, ये इसका काम नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, चेक करवाएंगे, अभी तो चेक नहीं करवा रहे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोवेव में पानी गर्म करते हैं, बेसिक ये काम करते हैं, बहुत हमारे यूज का नहीं है, खाना गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। तो अभी पानी गर्म नहीं हो पा रहा है क्या, तो अब पानी गर्म करने के लिए हमको गैस पे करना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो एक वो मंगवा लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको चलो एक वाटर हीटर मंगवा लेते हैं। तो मैं देख रही थी अगारो के प्रोडक्ट्स, जो अगारो वालों ने मुझे सेंड कर रखे ना, वो क्वालिटी काफी अच्छी है, ये मुझे काफी अच्छा लग रहा था, तो मैंने अभी जस्ट मंगवाया। और बाय द वे मैंने इसके पैसे पे करे हैं, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। ये देखिए अंदर से भी काफ़ी अच्छा है और बाहर से भी काफ़ी अच्छा है, बहुत स्टर्डी है एंड स्मार्ट क्वालिटी है। इसको अब हम लोग यहाँ लगा देंगे क्योंकि चारों तरफ ही स्विचेस लगे हुए हैं। तो इसको मैं वॉश करती हूँ और यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ काला चना चाट। मैंने रात भर के लिए इसको भिगो के रख दिया था, सुबह बॉईल भी कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने तेल लिया है, उसमें तेज पत्ता डाला है, इलायची डाली है और थोड़ी सी मिर्ची डाली है और थोड़ा सा मसाला डाला है, जैसे कि हल्दी हो गया, लाल मिर्च हो गया, धना पाउडर हो गया। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद निकाल लिया है मैंने इसको। यहाँ पर मैंने बॉयल पोटैटो, टमेटोज, उसके बाद अनियन डाला है, साथ ही साथ ग्रीन अनियन भी इसके ऊपर डाला है, टेस्ट में बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ा बहुत अनार डाल दिया है क्रंची टेस्ट के लिए, आप चाहें तो क्यूकम्बर डाल सकते हैं, मेरे पास क्यूकम्बर नहीं थी तो मैंने नहीं डाला। उसके बाद धनिया इसके ऊपर डाल दिया है, अब आप ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दीजिएगा, जो भुना हुआ जीरा पाउडर था, चाट मसाला। लेमन मैंने नहीं डाला बिकॉज ऑफ मुझे कफ है, इसलिए बहुत यमी एंड बहुत टेस्टी लगता है ये, बहुत फिलिंग भी होता है, मतलब आपके लंच को रिप्लेस कर देगा एंड काफ़ी हेल्दी भी रहता है। तो आज हम लोगों ने ये बनाया हुआ है बिकॉज मैंने बताया ना, हमारे पास काफ़ी सारे इस तरह के ग्रेन्स एंड पल्सेस रखे हुए हैं, तो इनको ही अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। ओके गाइस, तो अभी सुबह आज पता नहीं विक्की को क्या हो गया है हमारे, तो ये फ्लावर्स लेकर के आया है, एक तो लिली रजनीगंधा और एक ये कार्नेशन बोलते हैं। तो बेसिकली मेरे को रजनीगंधा और लिली, दीज आर माय फेवरेट फ्लावर्स। दो आज कोई रोज डे वगैरह नहीं है बट शायद लेके आ गया है ये, सो आई रियली लव्ड इट। अब इसको कटिंग वटिंग करके मैं वास में रखती हूँ बिकॉज एक तो ना इसकी जो फ्रेग्रेंस है इतनी अच्छी लगती है, घर में बहुत अच्छा महकता है। और अभी बस लंच वगैरह पैक हो रहा है विक्की का, उसके बाद फिर बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाऊंगी मैं विक्की को। ओके गाइस, तो अब अपन चलते हैं विक्की को ड्रॉप करने के लिए। बाय। ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक शावर और अभी मैं आपको ना अपना ये दिखाती हूँ, मैंने कहाँ कहाँ घर पे जो फ्लावर्स आए ना वो रखे हैं। सो आई केप्ट जो लिली है ना वो इसके अंदर काफ़ी छोटी करके मैंने रखी है। उसके बाद अभी लिविंग रूम मेरा इस तरीके से कुछ दिख रहा है। आज जो ये वाले फ्लावर्स हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं इस ग्लास के अंदर। ओके, सो अभी मुझे ना देर इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, उनका जो नाम है इट्स कोमल और उनका एक वेबसाइट है। सो इफ़ यू रिमेंबर दिस
मुझे ये जो भेजा था ना थ्रो, ये उन्हीं ने भेजा था, कोमल ने ही। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये एक स्पून स्टैंड दिया है, लुक एट दिस, बहुत क्यूट है। लिटरली मेरे पास कोई भी स्पून स्टैंड नहीं था, मैं इसके अंदर स्पून रख रही थी, तो द मोमेंट आई गॉट दिस मैं तुरंत इसको लेकर के आ गई। भोपाल में आया था ये मेरे पास, एंड लुक एट दिस, सो प्रिटी, और ये मेरे थीम से भी बहुत अच्छा जा रहा है, तो ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। थैंक यू सो सो मच कोमल, बड़ा ही प्यारा लगा मुझे ये। सो ओके गाइस, तो शाल वगैरह मैंने ले लिया है। नाउ मुझे लास्ट टू मंथ्स बोलो, काफी लोग जो कंसर्न हैं ऑब्वियसली, वो लोग मुझसे अपडेट मांगते रहते हैं कि अब आपके पापा कैसे हैं, अब उनकी सिचुएशन कैसी है, बिकॉज आई थिंक मैंने वीडियोस में पिछले 6 महीने से कोई अपडेट नहीं दिया है। वैसे तो मैंने डायरेक्टली ये सोच के रखा था कि द मोमेंट माई फादर विल वॉक विदाउट सपोर्ट ना, मैं उस दिन वीडियो बना के तब अपने पापा को भी दिखाऊंगी और पूरा जो भी हमने ये जर्नी फेस करी है ये बताऊंगी, बिकॉज आई एम श्योर मेरे फैमिली जो हम लोग ने अभी फेस किया है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ इस तरह की कुछ सिचुएशन हो रही होगी, एंड शायद हमारी इस स्टोरी से उनको हेल्प मिल जाए, शायद उनको मोटिवेशन मिल जाए। ये सारी चीजें मैंने सोच के रखी थी कि मैं जब वो वॉक करने लगेंगे तब बताऊंगी, बट अभी फॉर अ टाइम बीइंग मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने कभी भी खुल के नहीं बताया है कि एक्चुअल प्रॉब्लम उनको क्या हुई है। सबको लगता है कि सिर्फ बोन में प्रॉब्लम है, इस वजह से इतना टाइम क्यों लग रहा है, बोन तो जल्दी हो जाता है, 3-4 मंथ्स में रिकवर हो जाता है। सो डेफिनेटली जो उनका बोन वाला पार्ट है ना वो रिकवर हो चुका है, प्रॉब्लम इज थोड़ी डिफरेंट है, जिसमें रिकवर मतलब मैं अगर टोटल उनकी जर्नी की बात करूँ तो ही रिकवर्ड 75%, थोड़ा सा और सफर बाकी है, तो बस वो जो थोड़ा सा और सफर बाकी है, एंड देन आई एम श्योर वो बहुत जल्दी चलने लगेंगे बिना सपोर्ट के, वो चलने लगे हैं बट अभी विद सपोर्ट चल रहे हैं। तो मैं लिटरली बहुत ज्यादा खुद भी भरी बैठी हुई हूँ, बिकॉज हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पूरा एलोपैथी से लेकर के, मैं एलोपैथी से इतना छिड़ती रही थी को ना, बहुत ज्यादा डॉक्टर से पाला नहीं पड़ा है, एंड अब तक जो भी डॉक्टर, क्योंकि नॉर्मल सर्दी खांसी हो रही है या फीवर आ गया है या कुछ हो गया है, छोटी मोटी चीज हो गई है, प्रॉब्लम हो गई लाइफ में, अब तक की पूरी मेरी लाइफ की जर्नी में, तो हम जो डॉक्टर से मिले हैं बहुत नॉर्मली डॉक्टर से मिले हूँ मैं, कभी ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं, पैसे खाने वाले डॉक्टर्स भी होते हैं, तो अब जब ये सिचुएशन आई है आई हैव सीन दोज काइंड ऑफ डॉक्टर्स एज वेल। डॉक्टर अच्छा मिलना और बहुत डिपेंड, आपकी जो एक जर्नी है ना उसमें आपका डॉक्टर किस तरीके से आपके साथ है वो बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड हमारे साथ सिचुएशन यही हुई है। जिस हॉस्पिटल में मेरे पापा थे वहाँ पर 3 डॉक्टर्स का एक पूरा ग्रुप है, 3 से 4, एक जिसने सर्जरी करी, एक सर्जन है, उसके बाद जो 3 वहाँ के मेन डॉक्टर हैं, आपको किस तरीके से बात करना चाहिए, आप सेम चीज भी अलग तरीके से बोल सकते हो, बहुत मतलब, तो मैं सब बताऊंगी जो भी अभी मेरे पापा जिस भी सिचुएशन में अभी जहां तक आए हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आयुर्वेदा, बिकॉज एलोपैथी में तो इस चीज का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, ये हमको day 1 को बोल दिया गया था, दे वर नॉट श्योर अबाउट दिस कि आगे क्या है, रिकवरी है नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ ऑपरेशन से मतलब था, आपने पैसे दे दो, आप बनता है आप उनको वो जमा कर दो, उसके बाद आगे उनकी कोई जवाबदारी नहीं है, ना ही उनको कोई मतलब है। 3rd मंथ में जब हम लोग अपने पापा को लेकर के एम्बुलेंस में गए थे, क्योंकि उस टाइम पापा बैठ भी नहीं पाते थे 1 घंटे से ज्यादा, बार बार उनको लेटना पड़ता था बिकॉज उनको पेन होने लगता था, तो हम जब 3rd मंथ में एम्बुलेंस में अपने पापा को लेकर के गई थी मैं वहां पर, तो जिस डॉक्टर ने उनकी सर्जरी करी थी उन सर्जन से मिली थी, एंड आई गॉट टू नो दैट उनका मूड खराब था उस दिन, तो उन लोगों ने इतनी रूड चीज मेरे सामने बोल दी थी कि मैं मुझे लाइफ में पहली बार पता चला कि पैनिक अटैक एक्चुअली में होता क्या है, बिकॉज आई फेस दैट पैनिक अटैक उस टाइम, मतलब आकर के बहुत डिस्टर्ब मैं भी हो गई थी, मेरी मम्मी भी हो गई थी, और ऑब्वियसली सब डिस्टर्ब हो गए थे, एंड देन आई डिसाइडेड कि अब इनके पास नहीं आना है, इन डॉक्टर के पास नहीं आना है, ऐसे डॉक्टर्स के पास जाने का कोई मतलब नहीं है जहाँ जाकर के आप इतने एंथुजियास्टिक मूड में जा रहे हो, इतने अच्छे से जा रहे हो, उनको अपनी प्रोग्रेस दिखाने जा रहे हो, एंड ही डीमोरलाइज यू या डीमोटिवेट यू या इस तरीके से कुछ बोल दें वो। सो बाद में हमको पता चलता है कि भाई उनका मूड खराब था इसलिए उन्होंने ऐसे बोल दिया, उन्होंने चेक भी नहीं किया कि प्रोग्रेस क्या है, तो पापा भी बोले लगे, मैंने बोला अब कोई जरूरत नहीं इनके पास जाने की, अब सीधे इनके पास अपन जाएंगे, चल के जाएंगे, इनको चल के दिखाएंगे, एंड देन आई डिसाइडेड कि लेट्स मूव टू आयुर्वेदा। हम हमारे आयुर्वेदिक एक डॉक्टर हैं, वैद्य जी हैं, हम उनके पास गए जिनको हम बहुत मानते हैं, एंड हम उनके पास जब गए
जिस दिन हम हॉस्पिटल से आए हैं नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड कि पापा को लेके जाना है वहां पर, वो भोपाल में नहीं है, कहीं बाहर बैठने लगे हैं, आफ्टर कोविड वो भोपाल में नहीं बैठते हैं, तो हमको ऑब्वियसली बुकिंग वगैरह करनी थी, पापा को एम्बुलेंस से लेके जाना था वहां, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस बुक किया फटाफट, विक्की को मैंने बताया कि अपन जा रहे हैं उनको उनके पास लेकर के, एंड जब वहां पर पहुंचे तो लिटरली ही गेव अस मोटिवेटेड अस जिस तरीके का मोटिवेशन हमको सुनना था। तो अभी के लिए बस मैं इतना ही आपको बताऊंगी, बाकी की चीजें हम बात के लिए जब पूरा वो चीजें मैं डिस्क्लोज करूंगी या सब सिचुएशन बताऊंगी तब मैं बाकी की चीजें बताऊंगी। अच्छा एक और चीज मुझे बताइए कि कितने लोग इस बार का बिग बॉस देख रहे हैं, मतलब मैं तो आई थिंक बिग बॉस 1 से मतलब मैं और मेरी फैमिली हम सब देखती है, तो मुझे बताइए इस बार का बिग बॉस कितने लोग देख रहे हैं और आपको कौन कौन पसंद आ रहा है। तो मुझे तो स्पेशली मतलब मुझे जो मुझे पसंद आ रहा है वो टॉप 2 में है, मुझे प्रियंका और अर्चना पसंद आती है। अर्चना वैसे शी इज़ वेरी गुड बट जब बोलती है तब थोड़ा गंदा बोल देती है, बाकी वो मुझे पसंद है जब वो मस्ती के मोड में होती है और जब वो हंस रही होती है ना तो उसको देख के मुझे हंसी आती है, तो तब मुझे अच्छा लगता है। देन आई लाइक प्रियंका एज वेल, और मेरे को जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे वो सब ऑब्वियसली गेम के बाहर हो गए जो मुझे पसंद नहीं थे, एंड जो लास्ट अभी निकली निमृत वो भी मुझे बिल्कुल जमता ही नहीं था, एंड द मोमेंट शी इंसल्टेड हर फादर नाउ से तो मैं समझ गई कि मैं क्यों इसे चिढ़ रही थी या मुझे पसंद नहीं आती थी, वो शायद ये एक रीज़न होगा बिकॉज आई डोंट नो। और उसके बाद मुझे अभी जो टॉप 5 में पहुंचा है वो मुझे MC स्टैंड बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और इतनी फैन फॉलोइंग है उसकी, तो मुझे ये देख के बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमारी इंडिया की जनरेशन का जो यूथ है वो क्या पसंद कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी बड़ी शॉकिंग सी चीज़ है। आप सोचो मतलब उसके गाने सुने मैंने एक आध, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो जब रैप भी करता है तो मुझे लिटरली ना सुर ना ताल ना आवाज ना एटीट्यूड ना मज़े करना ना परफॉर्मेंस देना आता है, तो आई पता नहीं यार कौन उसके फैंस है, कौन उसको इतना वोट कर रहा है, कौन सी पब्लिक उसको इतना पसंद कर रही है, आई हैव नो आइडिया, पता नहीं। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ, उसके बाद मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी कल से, बिकॉज कल से नई चीज होंगी। वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।